स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल बरोडा अ प्रिंसली स्टेट वेलकम टू स्टडी आई मेरा नाम है आदेश सिंह दोस्तों ब्रिटिश काल के दौरान इंडिया में 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थे जिन्होंने पूरे इंडिया के 48 परसेंट एरिया और 28 परसेंट पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई कर रखा था ये प्रिंसली स्टेट्स लीगली तो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं थे लेकिन रियलिटी में ये ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट्स के ही रूप में जाने जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये स्टेट्स एक मोहरे की तरह थे जिसका इस्तेमाल वो भारत में नेशनलिस्ट टेंडेंसीज और अन्य कोलोनियल पावर्स को रोकने के लिए करती थी इन स्टेट्स को कुछ हद तक टेरिटोरियल ऑटोनॉमी प्रदान की गई थी जिसके तहत वो अपने यहां के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर सकते थे लेकिन इन स्टेट्स के एक्सटर्नल अफेयर्स का डिसीजन केवल और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ले सकती थी उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो इन प्रिंसली स्टेट्स को दो ऑप्शन दिए गए थे पहला या तो ये स्टेट्स डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन कर उनका हिस्सा बन जाए या खुद ही एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट की तरह आगे कंटिन्यू करें लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिप्लोमैटिक और टैक्टिक स्किल्स की वजह से लगभग 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में जोड़ लिया गया जिससे इंडिया पॉलिटिकली सोशली और इकोनॉमिकली काफी सशक्त हो गया और आज की कहानी में हम इन्हीं स्टेट्स में से एक बड़ोडा प्रिंसली स्टेट की कहानी जानेंगे बरोडा स्टेट जो प्रेजेंटली गुजरात में स्थित था और जिस पर मराठा कन्फेडरेसी की गायकवाड डिनेस्टी ने 1721 से लेकर 1949 तक राज किया फर्स्ट में 1949 को बरोडा फॉर्मली इंडियन डोमिनियन में शामिल हुआ और आज भारत के एक महत्वपूर्ण सिटी के रूप में जाना जाता है आज हम इसी बरोडा स्टेट के फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रूलर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों बरोडा को मॉडर्न प्रिंसली स्टेट के रूप में जाना जाता था और कैसे इसने आधुनिक भारत की नींव रखी आइए शुरू करते हैं बरोडा की ब्रीफ हिस्ट्री को जानने से ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बरोडा स्टेट दोस्तों मराठाज ने मुगल ऑक्यूपाइड गुजरात पर सबसे पहले 1705 में अटैक किया और 1712 तक मराठा लीडर खांडे राव दबाडे ने इन्हीं मुगल्स को हराकर गुजरात पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और इस दौरान उनका भरपूर साथ उनके सबॉर्डिनेट दामाजी गायकवाड़ ने दिया उसके बाद 1721 के बैटल ऑफ बालापुर के दौरान दामाजी गायकवाड की वीरता के लिए उन्हें शमशेर बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया और इसी वर्ष उनकी मृत्यु भी हो गई जिसके बाद उनका उत्तराधिकारी पीलाजी राव जो उनके भतीजे थे उन्हें बनाया गया पीलाजी राव को पेशवा द्वारा गुजरात के एरिया से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया था धीरे धीरे पीलाजी राव ने गुजरात के कुछ हिस्सों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया और कुछ सालों बाद उन्होंने मुगल्स को हराकर सोनगढ़ पर कब्जा कर लिया और फिर वहां सेवनटीन में बरोड़ा स्टेट और गायकवाड डिनेस्टी की स्थापना की लगभग ग्यारह साल राज करने के बाद फोर्टींथ मे सेवनटीन को मुगल सरदार अभय सिंह के साथ लड़ाई में पीलाजी राव की मृत्यु हो गई और फिर उनके बेटे दामाजी राव गायकवाड़ को बरोडा स्टेट की राजगद्दी सौंप दी गई दामाजी राव गायकवाड़ ने बरोडा स्टेट पर 1732 से 1768 तक राज किया और उन्होंने मुगल आर्मी को बरोडा सिटी से खदेड़कर उसे अपने कंट्रोल में लिया आगे चलकर यही बरोडा स्टेट गायकवाड्स की एक पावर सेंटर के रूप में उभरा हालांकि 1803 से 1805 तक चले सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात के ज्यादातर हिस्सों को मराठा से जीत लिया था लेकिन गायकवाड्स ने अपने कंट्रोल वाले एरियाज़ जैसे बरोड़ा और सोनगढ़ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ पीस अग्रीमेंट यानी एक सब्सिडियरी अलायंस ट्वीटी पर साइन कर लिए इसके बाद गोविंद राव गायकवाड आनंद राव गायकवाड सयाजी राव टू गायकवाड गणपत राव गायकवाड और श्री खांडे राव गायकवाड जैसे राजाओं ने बरोडा स्टेट पर 1870 तक शासन किया फिर खांडेराव गायकवाड़ की मृत्यु के बाद बरोड़ा के महाराजा उनके ही भाई मल्हार राव को बनाया गया मल्हार राव काफी भ्रष्ट राजा थे और उन्होंने अपने ऐशो आराम में बरोडा स्टेट का पूरा धन खर्च कर उसके राजकोष को खाली कर दिया साथ ही साथ वो काफी क्रूर भी थे जिसकी वजह से उनकी प्रजा उनसे काफी त्रस्त हो चुकी थी इसके अलावा अपने अथॉरिटेरियन रूल स्थापित करने के लिए उन्होंने बरोड़ा के ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल आर फायरे सीबी को भी जान से मारने की कोशिश की इस साजिश के बारे में पता चलने पर ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड सैलिसबरी ने टेंथ अप्रैल 1875 को मल्हार राव को बरोडा से निष्कासित करने का ऑर्डर दे दिया इससे बरोड़ा की राजगद्दी सुनी हो गई ऐसे में गोपाल राव जो मल्हार राव के रिलेटिव थे उनको बरोडा की राजगद्दी सौंपी गई इसके साथ ही उन्हें एक नया नाम सयाजी राव गायकवाड़ थ्री दिया गया सयाजी राव गायकवाड़ थ्री ने सिक्सटींथ जून 1875 को बरोडा के महाराज की उपाधि संभाली लेकिन उस वक़्त वो माइनर थे जिसकी वजह से शासन की बागडोर बरोडा काउंसिल ऑफ रीजेंसी के हाथों में रही मच्योर हो जाने के पश्चात 28 दिसंबर 1881 को फाइनली बरोडा का कंट्रोल पूरी तरह से सयाजी राव के पास आ गया और इन्हीं सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने आगे चलकर पूरे बरोडा राज्य का काया पलट कर दिया और बरोडा के डेवलपमेंट में अपना अहम योगदान दिया तो आइए डिटेल में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को समझते हैं सायाजी राव अ रिफॉर्मर एंड अ विजनरी दोस्तों बरोडा पर कई ग्रेट रूलर्स ने लगभग डेढ़ सौ सालों तक राज किया लेकिन इन सभी राजाओं में सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सायाजी राव गायकवाड थर्ड ने दिया और इन्हीं के रेन को बरोडा प्रिंसली स्टेट के गोल्डन पीरियड के रूप में भी जाना जाता है सयाजी राव ने बरोडा स्टेट को सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफ़ी सशक्त बनाया जिससे बरोडा प्रिंसली स्टेट जो पहले एक छोटा सा राज्य कहलाता था वो पूरे इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बनकर उभरा और साथ ही साथ इसकी पहचान पूरे भारत में एक मॉडर्न रिफॉर्म्ड स्टेट के तौर पर होने लगी बरोडा को एक मॉडर्न और रिफॉर्म्ड स्टेट बनाने के लिए सयाजी राव ने वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना कर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की और अन्य प्रिंसली स्टेट्स के साथ ट्रेड रिलेशंस को भी बढ़ावा दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा सयाजी राव ने बरोडा में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की ग्रोथ पर भी काफी ध्यान दिया इन सभी प्रयासों से बरोडा की इकोनॉमी का तेजी से विकास हुआ और जब बरोडा स्टेट संपन्न होने लगा तब सयाजी राव ने वहां की जनता में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए बैंक ऑफ बरोडा की स्थापना की जिसे आज पूरे इंडिया के एक इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में जाना जाता है बरोडा को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के अलावा उन्होंने वहां के सोशल कंडीशंस का भी कायाकल्प किया और बरोडा में कई सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जैसे अपनी प्रजा को एजुकेशन देना वहां की बैकवर्ड कास्ट का अपलिफ्टमेंट करना एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाइल्ड मैरिज को बैन करना डिवोर्स को लीगलाइज करना इत्यादि साथ ही साथ उन्होंने पूरे बरोडा स्टेट में आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक पेंटिंग डांसिंग जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंकरेज किया बरोडा में एजुकेशन और लर्निंग को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कई लाइब्रेरीज़ की भी स्थापना की जिसमें सबसे प्रमुख थी सिटी लाइब्रेरी जो आज भी बरोडा के लोगों को सर्व कर रही है इसके अलावा सयाजी राव देश के पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने फ्री एंड कम्पल्सरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया ये प्रोग्राम उन्होंने बरोडा में 1906 में शुरू किया था जिसने आगे चलकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी इसके अलावा उन्होंने बरोडा यूनिवर्सिटी की स्थापना कर हायर एजुकेशन को भी प्रमोट किया सयाजी राव ने अपने शासन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर भी काम किया जैसे उन्होंने 1862 में गायकवाड्स बरोडा स्टेट रेलवे नेटवर्क की स्थापना की इसके साथ ही उन्होंने 1892 में एक वाटर सप्लाई स्कीम को बरोड़ा के अजवा में इंप्लीमेंट किया जिसके तहत ग्रेविटी का यूज कर बरोडा के सभी लोगों तक पानी पहुंचाया जाने लगा और हैरानी की बात है कि आज भी इसी सोर्स की मदद से वडोदरा के लोगों को पानी मिलता है इसके अलावा उन्होंने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए वडोदरा में कामती बाग नामक लार्ज पब्लिक पार्क बनवाया साथ ही अनेकों रोड्स पूल्स ब्रिजेस टेम्पल्स आदि पब्लिक प्लेसेस का निर्माण कराया जिसने बड़ोड़ा को एक आधुनिक छवि प्रदान की दोस्तों तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सयाजी राव के अंदर टैलेंट पहचानने की कला भी मौजूद थी और उन्होंने कई टैलेंटेड पर्सन की एजुकेशन और ट्रेनिंग को स्पॉन्सर भी किया इनमें सबसे प्रमुख नाम डॉ बाबासाहब अम्बेडकर का आता है इसके अलावा सयाजी राव ने ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर श्री औरबिंदो घोष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के फर्स्ट एशियन मेंबर दादा भाई नोरोजी और मिशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लास के फाउंडर विट्ठल रामजी शिंदे की भी एजुकेशन और अदर एक्सपेंसेस को स्पॉन्सर किया इन सभी लोगों ने देश के लिए जो अहम योगदान दिया वो सहजी राव द्वारा इन्हें दी गई मदद के बिना शायद मुमकिन नहीं होता इसके साथ ही आर्ट म्यूजिक डांस पोएट्री एंड लिटरेचर में भी उनकी काफी रुचि थी और इसके लिए उन्होंने कई स्पेशल स्कूल्स का स्टैब्लिशमेंट किया इसके अलावा फेमस पेंटर राजा रवि वर्मा को भी उन्होंने स्कॉलरशिप प्रदान की जिससे वो अपनी आर्ट पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सके आर्ट एंड क्राफ्ट के अलावा उन्होंने कई साइंटिफिक कॉजेज को भी सपोर्ट किया जिसमें शामिल हैं इंडियन अनमैंड एयरक्राफ्ट जिसका निर्माण डॉ तलपड़े ने एटीन में किया था ये एयरक्राफ्ट डॉक्टर तलपड़े ने एरोप्लेन के इन्वेंटर माने जाने वाले राइट ब्रदर्स से भी पहले बनाया था और ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान उनकी मदद सयाजी राव ने ही की थी तो दोस्तों सयाजी राव के इन्हीं अथक प्रयासों के कारण बरोडा सभी प्रिंसली स्टेट्स में काफी आधुनिक और रिफॉर्म्ड माना जाता था सयाजी राव ने बरोडा से सभी सामाजिक कुरीतियों को खत्म कर वहां एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ट्रेड साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्रीज बैंकिंग जैसे मॉडर्न डे फैसिलिटीज को इंकरेज किया और कहीं ना कहीं सयाजी राव ने अपने रिफॉर्म्स द्वारा बरोडा को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को फायदा पहुंचाया क्योंकि आगे चलकर ये रिफॉर्म्स पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं इस तरह सयाजी राव एक रिफॉर्मर और विजनरी किंग के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि एक रिफॉर्मर होने के अलावा वो काफी शेरदिल और बेबाक पर्सनैलिटी के धनी भी थे उन्होंने दूसरे प्रिंसली स्टेट्स की तरह कभी भी ब्रिटिश सरकार के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि कई बार उनके साथ सीधे टकराव की स्थिति में रहे तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मौकों के बारे में ब्रिटिश वर्सेस सयाजी राव सयाजी राव बड़ोड़ा प्रिंसली स्टेट के राजा थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट कहलाता था लेकिन इसके बावजूद वो अन्य प्रिंसली स्टेट्स की तरह ब्रिटिशर्स से दबकर नहीं रहते थे बल्कि कई बार उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स की खातिर ब्रिटिशर्स का खुला विरोध भी किया जिससे इन दोनों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति रहती थी इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण था सयाजी राव द्वारा बरोड़ा का डेवलपमेंट करना और साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके लीडर्स का ओपनली सपोर्ट करना सयाजी राव का ब्रिटिश रेजिडेंट्स वाइस रॉय और गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अन्य ऑफिशियल्स के साथ वर्बल और रिटर्न फॉर्म में कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता था लेकिन 1911 के दिल्ली दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट और सयाजी राव के बीच हमेशा हमेशा के लिए कड़वाहट पैदा कर दी दरअसल 1911 का दिल्ली दरबार काफी ग्रैंड होने वाला था क्योंकि पहली बार कोई ब्रिटिश मोनाक इंडिया विजिट कर रहा था इस प्रोग्राम में प्रिंसली स्टेट्स के सभी रूलर्स को भी इन्वाइट किया गया था और उन्हें यहां अपनी रीगल ड्रेस में मौजूद रहना था और साथ ही ब्रिटिश एम्पर जॉर्ज द फिफ्थ को तीन बार झुककर सलामी देनी थी साथ ही प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें ब्रिटिश मौनाक को पीठ नहीं दिखानी थी लेकिन सयाजी राव ने इन सभी प्रोटोकॉल्स की अवहेलना की और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इम्बेरेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो ओकेजन के अनुसार तैयार होकर नहीं पहुंचे उन्होंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई थी बिजूल्ड सोड की जगह एक वॉकिंग स्टिक कैरी किए हुए थे और प्लेन व्हाइट अचकन यानी लॉन्ग कोट पहना हुआ था उसके बाद जब सलामी देने की बारी आई तब उन्होंने जॉर्ज द फिफ्थ के सामने तीन बार झुकने की जगह केवल एक बार ही सलामी दी और वापस जाते समय जानबूझकर अपनी पीठ मोनाक की तरफ कर दी और पीछे पलटकर मोनाक को व्यंग भरी मुस्कान के साथ देखा जो मोनाक और ब्रिटिश सरकार के लिए भरी सभा में अपमानजनक था सयाजी राव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सभी इंडियन किंग्स मिनिस्टर्स दीवान्स ताल्लुकदार्स के सामने ब्रिटिश मोनाक और गवर्नमेंट का विरोध करना चाहते थे इसके साथ ही उन्होंने अपने इस विरोध से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत छोड़ने का इशारा भी दे दिया था लेकिन इस अपमान के कारण उन्हें आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना उन्हें पहले मिला करता था और उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा विश्वास नहीं किया फिर भी सायाजी राव ने बिना डरे और बिना झुके बरोडा पर 1939 तक शासन किया कंक्लूजन तो दोस्तों ये थी बरोड़ा प्रिंसली स्टेट की कहानी इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इनिशियली बरोडा और अदर प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल नहीं किया गया था और इसीलिए बरोडा में इंटेरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई जिसका प्राइम मिनिस्टर फोर्थ सेप्टेम्बर नाइन्टीन को डॉ जीवराज नारायण मेहता को बनाया गया और इन्होंने लक्ष्मी विलास पैलेस बरोडा में बरोडा स्टेट के महाराजा के सामने शपथ ली और फाइनली फर्स्ट मे 1949 को बरोडा स्टेट जो ब्रिटिश काल में थर्ड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट के रूप में जाना जाता था डोमिनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया गया इनिशियली बरोड़ा को बॉम्बे स्टेट में मर्ज किया गया था और फिर फर्स्ट मे 1960 को जब बॉम्बे दो स्टेट्स महाराष्ट्र और गुजरात में स्प्लिट हुआ तब बरोड़ा गुजरात के अंडर आ गया और डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता को ही गुजरात का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनाया गया दोस्तों सयाजी राव द्वारा किए गए रिफॉर्म्स आज भी बरोडा की पहचान बनाते हैं फिर चाहे उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया बैंक ऑफ बरोडा हो या सिटी लाइब्रेरी ये आज भी बरोडा के सिटीजन्स को सर्व कर रहे हैं क्या आप सयाजी राव जैसे प्रिंसली स्टेट के किसी और राजा को जानते हैं जिसने अपने स्टेट को मॉडर्न और डिवेलप्ड बनाने में योगदान दिया हो अगर हां तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें दोस्तों अंत में यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल